गंगापथ के पैरेलल एक ब्रिज का निर्माण चल रहा है, बड़े लेवल पे काम चल रहा है। अभी हम हैं पीएमसीएच के पीछे और गंगापथ के पायर नंबर 30 के पास, और पीएमसीएच का जो अप्रोच रोड कनेक्ट होगा गंगापथ में उसका अपडेट देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। क्या हम चल रहे हैं उस जगह पर जहां पर दूसरे पुल का निर्माण चल रहा है, और ये वो जगह है जहां पर एलिवेटेड पार्ट गंगापथ का शुरू होता है। ये जहां जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, ये बारिश के मौसम में यहां पर चलना संभव नहीं होता है, क्योंकि उस समय यहां पर पानी आ जाता है। सामने आप अशोक कन्वेंशन केंद्र देख रहे हैं, जिसमें ज्ञान भवन है और ये सभ्यता द्वार आपके सामने है, जो गांधी मैदान के पास बनाया गया है। गंगापथ का एलिवेटेड पार्ट और जो सेगमेंट लॉन्चिंग का काम चल रहा है, ये यहीं से ऊपर चढ़ करके वहाँ तक जाता है और वहाँ पर जा करके लॉन्च होता है। ये सेगमेंट आप देख सकते हैं रखा हुआ है, जो ऊपर चढ़ेगा पुल पे और उधर से जाएगा। बिहार में गंगा के किनारे इस गंगापथ का निर्माण चल रहा है। एलिवेटेड पार्ट आपके सामने है, लगभग 20 किलोमीटर इसकी दूरी है, जो दीघा से चलकर दीदारगंज तक जाता है। इसमें कई जगह पे जो अशोक राजपथ है उससे इसका कनेक्शन दिया गया है, और अभी हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से इसके समानांतर नए पुल का निर्माण चला जा रहा है, इसको कनेक्टिविटी देने के लिए। और उसका काम जिस हिसाब से चल रहा है वो जब आप देखेंगे, जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। ये अंटा घाट की तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। अंटा घाट अभी रिवर फ्रंट तो बनाया गया है, तटों का सौंदर्यीकरण तो किया गया है, लेकिन पानी नहीं रहने की वजह से वो व्यर्थ सा हो जाता है। लेकिन बारिश के मौसम में यही जगह काफ़ी खूबसूरत नज़र आने लगता है। अभी ये रास्ता बनाया गया है गाड़ियों के आने जाने के लिए, जिसका लाभ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि बड़ी गाड़ियाँ आ रही है धूल उड़ाते हुए, और किस तरह से हम धूल का सामना करेंगे वो आप देखिए। कुछ इस तरह से धूल उड़ता है यहाँ पर, हालांकि पानी समय समय पर पटाया जाता है, लेकिन फिर भी इन धूल का सामना तो करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं सामने आपको गंगापथ के समानांतर पाए दिख रहे हैं, जिसका नया निर्माण हुआ है और चल रहा है। इसी की तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि उसके पैरेलल ये पुल बनाया जा रहा है और कई पाए यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे कई तरह का काम चल रहा है। तो गंगापथ के पैरेलल एक ब्रिज का निर्माण चल रहा है। ये ब्रिज है पीएमसीएच को कनेक्ट करेगा उसका गंगापथ के 41 नंबर पाया और 20 नंबर पाया से अप एंड डाउन का ये रहेगा, कनेक्ट रहेगा, और 30 नंबर पाया के पास से वो डाउन होकर के पीएमसीएच में चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह का काम चल रहा है, और इसका कॉन्ट्रैक्टर है वही जिसने आर ब्लॉक दीघा रोड का निर्माण किया है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन। ये देख सकते हैं कई तरह का काम आपको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा होगा। रिग बनाया जा रहा है वहाँ पे पाइलिंग के लिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे पाइलिंग का वो जो टीन का चादर रहता है वो है। यहाँ पे काम चल रहा है, कई तरह का काम चल रहा है। ये गंगापथ है, ये गंगापथ का पाया है, ये देख सकते हैं। और गंगापथ के पाया के बगल में एक और नए पाए का निर्माण चल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 21 नंबर पाया है ये सामने जो आप देख रहे हैं, 21 नंबर पाया है। 30 नंबर पाया यानी कि 21 पाए के पास से ये डाउन हो जाएगा। 41 नंबर और 20 नंबर जो गंगापथ का जो पाया होगा, उससे लोग दीघा की तरफ से जो आएंगे वो 20 नंबर पाए से
इधर साइड हो जाएंगे, PMCH लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर, और जो गाय घाट की तरफ से आएंगे वो 41 नंबर पाया से कट लेंगे इस तरफ, और 30 नंबर पाया जो ये है यहाँ से वो PMCH चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई तरह का काम यहाँ पे चल रहा है और इतना बड़े लेवल पे काम चल रहा है कि मत कहिए, देख मत कहिए, इतनी मशीनें एक साथ काम होता हुआ फ्लोर पे, और ज़्यादा दिन पहले काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कई पायों का निर्माण कर दिया है गंगा पथ के पैरेलल। ये देख सकते हैं यहाँ पे पाइलिंग और के लिए सरिया अंदर गया हुआ है, देख सकते हैं काम चल रहा है। तो गंगा पथ के पैरेलल 20 पाए का एक और पुल समझिए बन रहा है जो PMCH में ले जाएगा आपको, ये देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 26 जनवरी को काम शुरू हुआ था और PMCH से कनेक्ट करने का, और अभी काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहते हैं बिहार के विकास की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचती रहे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्र सेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार। Thank you.